ओम योगीस, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ऊर्जा धाम पर। आज हम योग में एक आसन को समझने जा रहे हैं। इस आसन का नाम, इस आसन को जानेंगे, इस आसन को समझेंगे। यह आसन आप को हमेशा जवान रखता है। हमेशा यह आसन आपको मानो ऐसा लगता है जैसे आपका शरीर ढल ही नहीं रहा हो, आपका शरीर ज्यों का त्यों बना हुआ है। अब आप सोच रहे होंगे कि यह कौन सा आसन है। हाँ, यह बहुत ही सिंपल और साधारण आसन है। इस आसन में किसी भी तरह से हमें कोई भी फोर्स नहीं लगाना, बस इस आसन को करते जाना। बड़े ही आराम से सिंपल स्थिति में बने हुए इस आसन को करते जाना। इस आसन का नाम है सिंहासन, लॉयन रोरिंग पोज, या सिंह गर्जना हम कहें या सिंहासन हम कहें। तो हम इस आसन के एक एक पहलू की बात करेंगे। इस आसन का अभ्यास कैसे किया जाए, इसके बेनिफिट्स क्या होंगे, इसके प्रिकॉशंस क्या क्या होंगे, एक एक हिस्से के बारे में जानेंगे। तो देखिए, हमारे साथ आप जुड़े रहिए। हम आपको सर्वप्रथम बताएंगे कि यह आसन कैसे किया जाए, इसके क्या क्या प्रिकॉशंस होंगे, क्या क्या बेनिफिट्स होंगे, हर एक पहलू के बारे में बात करेंगे। तो सर्वप्रथम हम बताना चाहेंगे इसके प्रिकॉशंस को। प्रिकॉशंस में देखिए, सिंहासन एक ऐसा आसन है जो आसन होते हुए वज्रासन सीरीज का आसन हो गया। यह आसन करने से पहले हमें वज्रासन में आना पड़ता है, वज्रासन में बैठना पड़ता है, उसके बाद हम इस आसन को अच्छे से करते हैं। तो कैसे करेंगे, तो देखिए, वज्रासन में करना पड़ेगा, मतलब कि वज्रासन के प्रिकॉशंस भी हमें ध्यान में रखने पड़ेंगे। वज्रासन के प्रिकॉशंस जब ध्यान में रखेंगे, तो जैसे किसी व्यक्ति को किसी भी तरह से थ्रोट इन्फेक्शन है, या अदर कोई भी क्रोनिक इलनेस है, या कोई भी एक्यूट प्रॉब्लम है, या किसी भी तरह से नेक सर्जरी हुई है, या कुछ भी ऐसा हुआ है, तब इस आसन को नहीं करना है। हमें इस बात का हमको ध्यान रखना है। अब वज्रासन सीरीज का आसन है, तो घुटनों में अगर किसी को प्रॉब्लम है, अगर किसी को एंकल में प्रॉब्लम हो गई, और तो इस आसन को नहीं करेंगे। इस बात का हमने अच्छे से ध्यान रखना है। ये प्रिकॉशंस, कॉन्ट्राइंडिकेशंस हमें हमेशा ध्यान रखना है। हम बताना चाहेंगे, अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं, आपने हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो अभी सब्सक्राइब, लाइक जरूर करें, शेयर करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आपको नए वीडियोस बहुत जल्दी मिलेंगे। और हम आपकी प्रतिक्रियाओं का इंतज़ार करते हैं, जिससे आपकी प्रतिक्रियाओं का हम आपको उत्तर दे पाएं। अब दूसरे पहलू पर आते हैं। अगला पहलू हो गया इसका बेनिफिट, वो भी थेरापेटिकल, समस्याओं को सॉल्व करने का तरीका कैसे करेंगे। तो क्योर बैड ब्रेथ, अगर आपको किसी भी तरह से पायरिया है, किसी भी तरह से लीवर संबंधित समस्या है, तो आपकी श्वास में एक तरह से स्मेल आती है, उस स्मेल को खत्म करने में, कम करने में सहायक आसन होता है यह। दूसरा, स्टेटर की प्रॉब्लम, वो भी ये खत्म करता है। किसी को लिप्सिंग की प्रॉब्लम हो, उससे भी ये बहुत फायदा देता है। यह आसन टीथ ग्रिंडिंग की प्रॉब्लम्स को दूर करता है। यह आसन रिंकल्स को खत्म कर देता है। मानो आपका फेस एक जवान है, आप बिल्कुल जवान बने हुए हैं, आपको जैसे बुढ़ापा आया ही नहीं। ऐसा आसन जो आपके फेस को हमेशा जवान रखे। हमें किसी भी तरह का कोई भी कॉस्मेटिक्स यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, हमें कुछ भी लगाने की ज़रूरत नहीं है, एक्सटर्नल कुछ भी यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। बस ज़रूरत है तो वो है हमारे आसन करने की। या आपकी रिंकल्स को ख़त्म कर रहा है, या आपके थायराइड को बैलेंस कर रहा है, या आपकी वॉइस को इम्प्रूव कर रहा है, टोनसिल की समस्याओं को दूर कर रहा है, या आपके नेक मसल्स की एक जेंटल मसाज दे रहा है, जिससे आपकी नेक, एक स्लेंडर नेक आपको प्राप्त होगी, और साथ ही साथ ये आपकी आईज, जो आंखों की बर्निंग है, उसको रिड्यूस करता है। ये आपके थ्रोट को एक मसाज देता है। यह आपकी रिंकल्स को तो कम कर ही रहा है, जैसे मैंने बताया, ये आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम को बैलेंस कर रहा है। इतने सारे बेनिफिट हैं इस आसन के।
इसके बाद जब हम बात करते हैं तो इस आसन में और कौन कौन से बेनिफिट होंगे, ये आपके फेस, थ्रोट, आपकी आँखें, आपके टंग, आपका वोकल कॉर्ड, आपका रेस्पिरेटरी ट्रैक, आपका चेस्ट, आपकी आपके दोनों हाथ, आपका एब्डोमिनल, आपका डायफ्राम, और इवन आपकी कान, ENT केयर, इन सब को इसका बेनिफिट मिलता है इस आसन का करने से। इस आसन को करने से टेंशन, फियर, फ्रस्ट्रेशन, इमोशनल इम्बैलेंसिंग सब खत्म होता है। आपका रेस्पिरेटरी ट्रैक के साथ साथ ये आपके नर्वस सिस्टम को और इम्प्रूव करता है। आपका जो नेचर होता है इंट्रोवर्ट, किसी से बात नहीं करना, अकेले अकेले बैठे रहना, वो खत्म करता है। इस आसन को करने से आपका यह नेचर खत्म होता है, यह नेचर खत्म होने से आप बैलेंस होते हैं। तो इतने सारे बेनिफिट इस आसन के हो गए। और इस आसन के बाद आप चाहें तो आप शवासन भी कर सकते हैं, आप चाहें तो आप शशांकासन कर सकते हैं। तो ये दोनों ही आसन आप इस आसन के साथ कर सकते हैं। तो आपके रिंकल्स फ्री होना, यह आसन आपको जमा रखता है। सिंहासन, द लो एंड रनिंग पोज। और इस आसन में सबसे ज़रूरी चीज़ जो होती है वो होती है, हम शांभवी मुद्रा का यूज़ करते हैं इस आसन में। इस आसन को करने से आपको शांभवी मुद्रा के भी बेनिफिट प्राप्त होते हैं। शांभवी मुद्रा कैसे होती है वो भी हम इस आसन में आपको बताएंगे, और शांभवी मुद्रा कैसे की जाती है, उसके क्या क्या बेनिफिट हैं, यह आप हमारे नेक्स्ट वीडियो जो हमने पहले अपलोड किया हुआ है उस पर आप जाकर देखें शांभवी मुद्रा के क्या क्या बेनिफिट होंगे, शांभवी मुद्रा किस तरह से हमें स्पिरिचुअली उस परमात्मा से जोड़ती हैं, शांभवी मुद्रा के क्या क्या लाभ होंगे। वह शांभवी मुद्रा के लाभ आपको सिंहासन में भी मिलते हैं, इसीलिए यह आसन के बेनिफिट और बढ़ जाते हैं, बहुत ज़्यादा बेनिफिट इस आसन के बढ़ जाते हैं। तो आइए देखिए कैसे हम इस आसन को करें, इसके अभ्यास को समझें, और इस अभ्यास से हम आगे बढ़ें कि किस तरह से हमें ये आसन करना चाहिए। तो सर्वप्रथम ये बैठ कर किए जाने वाला आसन है, तो आपने मैट पर बैठ जाना है। आपने जब मैट पर बैठ गए हैं तो दंडासन की स्थिति में आप मैट पर बैठें, इस तरह से आप दंडासन की स्थिति में बैठे मैट पर। जब आप मैट पर दंडासन की स्थिति में बैठ गए हैं तो आपने वज्रासन में आना है। वज्रासन में आने के तत्पश्चात आप जो हैं इस तरह से वज्रासन बैठेंगे। वज्रासन से फिर आप दोनों घुटनों को खोलेंगे, ओपन करेंगे इस तरह से, और दोनों हाथों को रखेंगे। आपकी फिंगर जो है वो अंदर की तरफ होगी, इस तरह से आप दोनों ही हाथों को रखेंगे ऐसे। तो हम आपको बताते हैं किस तरह से, जब आप ऐसे बैठे हुए हैं तो ऐसे आप जब बैठे हुए हैं आपके दोनों जो टोज मिले हुए हैं, आपके दोनों फिंगर्स जो हैं वो अंदर की तरफ होंगे, और अगर आप चाहें तो आप चाहें तो आपके अगर बटक्स नीचे की तरफ आप आ रहे हैं, रख पा रहे हैं आप, तो रखें। स्पाइन बिल्कुल स्ट्रेट होगी, नी बिल्कुल, आपके जो दोनों घुटने हैं वो अच्छे से खुले हुए रहेंगे, स्पाइन बिल्कुल स्ट्रेट होगी, एकदम सीधा। आपने कुछ नहीं करना, यहाँ से आपने एक श्वास लेनी है गहरी, और टंग को आउट करना, जितना बाहर आप टंग निकाल सकते हैं, जितनी बाहर आपके टंग को कर सकते हैं उतना बाहर आप अपने टंग को कीजिए, इस तरह से बाहर करें, शांभवी मुद्रा करें। तो अगर आप सिंहासन कर रहे हैं तो सिंहासन में बस इतना सा आपको इसी स्थिति में बैठे हुए रहना, ये सिंहासन। सिंह गर्जना है तो आपको आवाज निकालनी होगी, वह आवाज कैसे निकलेगी वह देखते हैं। देखिए, सांस लेना है आपने, थोड़ा सा रुकना, एक गहरी सांस लेना फिर से, मैंने आपको दो बार करके बताया किस तरह से, तीन बार हमने किया। हमें यह ध्यान रखना है कि यह आसन बहुत ही सावधानी पूर्वक, आराम से और धीरे से करना है। इस आसन में किसी भी तरह से कोई जल्दबाजी नहीं करना, किसी भी तरह से कोई भी, अगर आप बहुत स्पीड से सिंहासन या सिंह गर्जना करते हैं तो आपको हो सकता है हिकअप्स स्टार्ट हो जाएं। इसलिए एक जब आपने स्ट्रोक कंप्लीट कर लिया है तो थोड़ा सा आप उसमें ब्रेक लें, उसके बाद ही आप आसन को स्टार्ट करें। तो यह आसन हमने देखा सिंहासन, और इसके बाद आप वापस से
दंडासन में आ जाएंगे और दंडासन से नॉर्मल स्थिति में आ जाएंगे। तो आज के इस वीडियो में हमने ये जाना कि किस तरह से हमें सिंहासन करना चाहिए, सिंहासन के क्या क्या बेनिफिट होंगे, क्या क्या लाभ। आज के वीडियो में मैं इतना ही, देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे किसी और आसन की। तब तक के लिए ओम शांति।